मित्रों की संख्या और कुल शिक्षिका या सहायिका या दीदी होती है वहां पे, तो उनकी संख्या, वो दो संख्या आप लिखेंगे। लेकिन ये तभी लिखेंगे अगर विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शैक्षिक सुविधाएं संलग्न है। इसी में सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन उसमें है, विद्यालय से संलग्न आंगनवाड़ी, क्या विद्यालय से आंगनवाड़ी संलग्न है? आंगनवाड़ी इज अटैच टू द स्कूल और नॉट? अगर हाँ, अगर अटैच है तो आप कोड संख्या एक लिखेंगे, अगर अटैच नहीं है, अगर संलग्न नहीं है तो आप कोड संख्या दो लिखेंगे। इसमें भी फिर इसी तरह से हमने बाइफरकेट किया है, इसी में इसी प्रश्न को दो भागों में बांटा है। अगर संलग्न है तो आप कुल छात्रों की संख्या और कुल सहायिका या शिक्षा सहायक या दीदी की संख्या आप लिखेंगे। इसी प्रश्न पर तीसरा प्रश्न है, आवासीय शाला, क्या यह विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल है? क्या यह विद्यालय आवासीय शाला में है? अगर हाँ तो आप एक लिखेंगे, अगर नहीं तो कोड संख्या दो लिखेंगे। अगर यह विद्यालय आवासीय प्रकार का है, मतलब अगर रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आप आवासीय विद्यालय का प्रकार लिखेंगे, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल की इंफॉर्मेशन आप कोड लिखेंगे यहां पे, जिसमें कि पहला कोड है आश्रम शाला शासकीय, दैट मींस दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल, तो आप यहां पे कोड नंबर एक लिखेंगे। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है और रेजिडेंशियल स्कूल है तो कोड दो लिखेंगे। अगर इन दोनों के अलावा है तो कोड चार, अगर केजीबीवी है तो कोड संख्या छह लिखेंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, क्या यह स्कूल स्पेशल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है? CWSN बच्चों के लिए क्या यह स्पेशल स्कूल है? स्पेशल स्कूल हम उसको बोलते हैं जहां पर सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड्स। क्या यह विद्यालय उन बच्चों के लिए है? इसमें सिर्फ आपको हाँ या ना में उत्तर देना है, और फिर से हाँ के लिए कोड एक और ना के लिए कोड दो। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर पांच पर हम पूछ रहे हैं, विद्यालय भवन में शाला पारी में लगती है, क्या यह विद्यालय पारियों में चलता है? पारी मतलब शिफ्ट में चलता है क्या? हाँ या ना में फिर से आपको कोड एक या दो लिखना है। अगले प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, विद्यालय के गत अकादमिक वर्ष का विवरण, प्रीवियस एकेडमिक ईयर, करंट ईयर हमारा, हमारा प्रेजेंट शैक्षिक सत्र 2010-11 है। इस प्रश्न में ध्यान रखने की बात है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन इस आगे चार प्रश्न, चार पार्ट्स में देंगे, चार भागों में देंगे इस प्रश्न के लिए, वो हमें 2009-10 के लिए भरना है। अभी तक हमने ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन प्रश्नों में भरी है वो 2010-11 के लिए भर रहे थे, यहां पर 2009-10 के लिए भरना है, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है अकादमिक अवलोकनों की संख्या, एकेडमिक इंस्पेक्शंस की संख्या। यहां पे आपको नंबर में, न्यूमेरिक में आपको संख्या लिखनी है कि कितने दिन अकादमिक अवलोकन हुए विद्यालय में, कितने दिन एकेडमिक इंस्पेक्शंस हुए। इसी के दूसरे भाग में हम लिख रहे हैं जन शिक्षक द्वारा किए गए शैक्षणिक भ्रमणों की संख्या। उसके बाद है विकासखंड सोत्र एवं शैक्षिक समन्वयकों द्वारा किए गए भ्रमणों की संख्या। इनमें सिर्फ हम संख्या पूछ रहे हैं, आपको उससे ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी है। आखिरी प्रश्न, इस आखिरी भाग इसी प्रश्न का, जहां पर हम पूछ रहे हैं विकासखंड के मोबाइल स्रोत सलाहकार द्वारा किए गए भ्रमणों की संख्या, रिसोर्स पर्सन द्वारा किए गए एकेडमिक किए गए इंस्पेक्शंस की संख्या, वो संख्या हमको यहां पर लिखनी है। सातवें प्रश्न में हम विद्यालय की वित्तीय जानकारी, फंड्स इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं यहां पर, लेकिन यह भी आपको पिछले वर्ष के बारे में, पिछले वित्तीय वर्ष के बारे में आपको बताना है। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह एकेडमिक ईयर नहीं, यहां पर शैक्षणिक सत्र के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, यहां पर हम गत वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछ रहे हैं, जो अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक की आप इंफॉर्मेशन यहां पर बताएंगे, वित्तीय जानकारी, जिसमें कि आपको दो भागों में बतानी है इंफॉर्मेशन, जो भी आपको जानकारी देनी है वो दो भागों में देनी है, प्राप्त राशि और व्यय राशि। प्राप्त राशि जो आपको मिली है और व्यय राशि जो आपने खर्च की है। अब किन किन
पार्ट्स पे आपने खर्च की है उसके बारे में हम लोग नीचे पूछ रहे हैं। अ पार्ट में हम पूछते हैं शाला विकास अनुदान जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपको मिलती है, स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट, कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी आपने व्यय की, कितनी आपने खर्च की। उसके बाद है शाला मरम्मत अनुदान, विद्यालय के लिए जो आपको मेंटेनेंस ग्रांट मिलती है कितनी आपको मिली और कितनी आपने खर्च की। नेक्स्ट पार्ट में हम पूछ रहे हैं सीखना सिखाना सामग्री अनुदान, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, जो शिक्षा निधि जिसको हम बोलते हैं, कितनी आपको प्राप्त हुई और कितनी आपने व्यय की। उसी के अलावा इन ऊपर वाले तीन भागों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान, इनके अलावा आपको किसी और स्रोत से जो राशि प्राप्त हुई है उसकी आपको यहाँ पे जानकारी देनी है और उसमें से आपने कितनी खर्च की है उसकी जानकारी आपको देनी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमें सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। उसका मतलब है हमें एलिमेंट्री स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारा जो स्टाफ है, सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन देनी है, हमें उसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। हो सकता है आपका विद्यालय प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी माध्यमिक प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ उन्हीं स्टाफ की उन्हीं टीचर्स की इंफॉर्मेशन यहां पर भरनी है जो कि माध्यमिक कक्षाओं तक पढ़ाते हैं। उसमें हमारा पहला भाग है प्रश्न का शिक्षण कर्मी जो नियमित अध्यापक हैं, दैट मीन्स ओनली रेगुलर टीचर्स की इंफॉर्मेशन, उसमें हमें कितने स्वीकृत पदों की संख्या, टोटल कितने रेगुलर टीचर्स सेंक्शन हैं इस विद्यालय में, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। उसी भाग में अगर हम आगे देखें इन स्वीकृत या पहले हमें बताना है कि कितने स्वीकृत पद हैं, कितने सेंक्शन पदों की कितने सेंक्शन हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट भाग है इसी प्रश्न का उसमें हम बता रहे हैं इन पोजीशन कार्यरत संख्या, टीचरों की कार्यरत संख्या, प्राथमिक स्तर पर कितने टीचर कार्यरत हैं, प्राइमरी में कितने टीचर कार्यरत हैं इन पोजीशन है, और मिडिल स्तर पर अपर प्राइमरी में कितने टीचर कार्यरत हैं रेगुलर में से, रेगुलर टीचर्स में से। इसी प्रश्न का अगला भाग है जहां पर हम शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक या कॉन्ट्रैक्ट टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। वहां पर हम सैंक्शन पोस्ट नहीं पूछते हैं इनकी, वहां पर हमें सिर्फ प्राइमरी में कितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और अपर प्राइमरी में कितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी प्रश्न में अंशकालिक अध्यापक कितने हैं जो कि सिर्फ अपर प्राइमरी में, जो कि सिर्फ माध्यमिक कक्षाओं के लिए ही लागू होता है, उसमें अंशकालिक अध्यापक पार्ट टाइम टीचर्स जो कि आरटीई के हिसाब से, आरटीई के अनुसार जो कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसके हिसाब से अपर प्राइमरी में कितने टीचर्स कार्यरत हैं। उसके बाद हमारा इसी प्रश्न का लास्ट भाग आखिरी भाग है जिसमें हम पूछते हैं गैर शैक्षणिक स्टाफ, गैर शैक्षणिक स्टाफ का मतलब है नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि पढ़ाने के अलावा कार्य करते हैं, जो कि पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, उनके अलावा हमारे पास कितना स्टाफ है वो हम अपर प्राइमरी सेक्शंस में पूछ रहे हैं सिर्फ अपर प्राइमरी के लिए। ये वाला जो भाग है प्रश्न का आंकड़े पर संग्रह प्रपत्र का, ये जो भाग है आठवां, इसको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन, जो संख्या आप प्राथमिक स्तर मिडिल स्तर में आप कार्यरत संख्या में जो लिखेंगे उन्हीं टीचर्स की, उन्हीं अध्यापकों की उन्हीं स्टाफ की डिटेल्स आपको अगले पृष्ठ पे, जहां पर टीचर्स की कंप्लीट जानकारी, जहां पर टीचर्स की पूरी डिटेल आपको भरनी है, वो वहां पे सारी इन्हीं टीचर्स की इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। इन दो पृष्ठों के बाद तीसरा जो पृष्ठ हमारे आंकड़ा संग्रह प्रपत्र का है उसमें हम आरटीई जो राइट टू एजुकेशन का, जो अब की बार हमने डाइस में कंपोनेंट्स डाले हैं राइट टू एजुकेशन के, जो चर या वेरिएबल्स जो हमने डाइस में इंक्लूड किए हैं उनके बारे में पूरा एक प्रश्न राइट टू एजुकेशन के वेरिएबल्स का है, और ये उसका पहला प्रश्न है जिसमें हम सिर्फ पूछ रहे हैं विद्यालय के शिक्षण दिवस
एवं समयावधि का विवरण, उसमें हम कहते हैं विद्यालय में एकेडमिक ईयर्स, एकेडमिक डेज, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पार्ट में हम कर रहे हैं, जो कि आप प्राथमिक और मिडिल स्तर, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी दो भागों में बताएंगे। पहला प्रश्न जिसमें हम पूछ रहे हैं, गत सत्र में विद्यालय लगने के कुल दिवसों की संख्या, गत सत्र यहां पर फिर से आपको 2009-10 की इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि पिछले साल विद्यालय में कितने दिन पढ़ाई कराई गई, कितने दिन शैक्षणिक दिवस लगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्राइमरी के लिए अलग से और अपर प्राइमरी के लिए अलग से, उसका मतलब है प्राथमिक के लिए आप अलग लिखेंगे, मिडिल के लिए आप अलग लिखेंगे। इसी में दूसरा भाग है हमारा वर्तमान सत्र में। अब देखिए, पहला जो प्रश्न था एकेडमिक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज का, वो था प्रीवियस एकेडमिक ईयर का, गत शैक्षणिक सत्र का। ये वाला जो प्रश्न है, ये जो वाला जो भाग है, इसमें हम करंट एकेडमिक ईयर, प्रेजेंट शैक्षणिक सत्र के बारे में बात करें, वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे हम पूछ रहे हैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बच्चों के लिए प्रतिदिन शाला का समय कितने घंटे निर्धारित है, उसका मतलब है कितने दिन, कितने समय, घंटे आपको यहां पे लिखने हैं, कितने घंटे बच्चों के लिए निर्धारित है कि वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपको यहां पे घंटे लिखने हैं, प्राथमिक में, प्राइमरी में कितने घंटे और मिडिल में, अपर प्राइमरी में कितने घंटे। उसके बाद हम नेक्स्ट भाग में पूछ रहे हैं, इसी प्रश्न के अगले भाग में हम पूछते हैं वर्तमान सत्र में शिक्षकों के लिए प्रतिदिन शाला का समय कितने घंटे निर्धारित है। अभी हमने पूछा था बच्चों के लिए कितने घंटे निर्धारित है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट भाग में पूछ रहे हैं करंट एकेडमिक ईयर में ही, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ही अध्यापकों, शिक्षकों या टीचर्स, टीचर्स के लिए हर रोज कितने घंटे निर्धारित हैं कि उनको स्कूल में रहना है, जो कि फिर से आप प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, प्राथमिक, प्राइमरी और मिडिल स्तर, अपर प्राइमरी के लिए आप ये इंफॉर्मेशन देंगे। यहां पर ध्यान देना है सिर्फ घंटे लिखने हैं, दिन नहीं लिखने हैं, और घंटे भी हर एक दिन के लिखने हैं। मान लीजिए एक दिन में अध्यापक के लिए 5 घंटे निर्धारित हैं, या 6 घंटे, या 7 घंटे, या 8 घंटे निर्धारित हैं, तो आप 8 लिखेंगे, न्यूमेरिक में 8, हिंदी में अ आकर डंडा ठ नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिक में 8 लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। इसी प्रश्न पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, क्या विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन विद्यालय में इंप्लीमेंट की गई है कि नहीं। अगर विद्यालय में CCE इंप्लीमेंट की गई है तो आप हाँ का उत्तर, हाँ का कोड 1 लिखेंगे, अन्यथा नहीं के लिए कोड 2 लिखेंगे। अगर आपके विद्यालय में CCE इंप्लीमेंट नहीं हुई है, अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, तो आप 2 जरूर लिखें, नहीं लिखें वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप इस कोड को खाली छोड़ दें, कोड लिखना है यहां पे। और यदि इस विद्यालय में CCE का इंप्लीमेंटेशन हुआ है तो आपने कोड 1 लिखा, तब आप इसका जो नेक्स्ट भाग है आप उसका उत्तर देंगे, जिसमें लिखा है क्या छात्रों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब प्रवेश से लेके अभी तक, जब उसका बच्चे का एडमिशन हुआ था तब से लेके अभी तक वर्तमान वर्ष तक पूरा रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उसका मेंटेन करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड रखा जाता है तो आप हाँ लिखेंगे, अगर नहीं रखा जाता है तो संख्या 2 लिखेंगे, कोड 2 लिखेंगे। अगर मेंटेन किया जाता है, अगर वो रिकॉर्ड रखा जाता है, तो अगला प्रश्न है जिसमें हम पूछ रहे हैं क्या छात्रों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उनके अभिभावकों से, उनके अभिभावकों को दिखाया जाता है, मतलब अगर आप ये CCE का रिकॉर्ड हर एक स्टूडेंट का, हर एक प्यूपिल का मेंटेन करते हैं, तो क्या उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। अगर शेयर किया जाता है तो आप 1 लिखेंगे हाँ के लिए और 2 लिखेंगे ना के लिए। इसी प्रश्न पर शिक्षा के अधिकार के हिसाब से जो प्रश्न है हमारा, उसमें हम पूछ रहे हैं केवल गैर, अब ये जो भाग है 3.1 जो प्रश्न है हमारा, उसमें हम पूछ रहे हैं
लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिर्फ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स